विधानसभा चुनाव को लेकर आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। ऐसे में कटनी जिले की वाडरवारा विधानसभा से निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले मोती कश्यप ने केंद्रीय नेताओं से बात कर अपना नामांकन वापस ले लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन जमा करने वाले मोती कश्यप ने नामांकन वापस ले लिया है। पूर्व मंत्री मोती कश्यप ने गुरुवार को पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र वापस लिया है, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए मोती कश्यप ने कहा कि पार्टी नेतृत्व से चर्चा के बाद मैंने नामांकन वापस ले लिया है। आप तो बता चुके हैं माननीय अजय विश्नोई जी हमारे बहुत पुराने साथी और मेरी केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा हुई और प्रदेश नेतृत्व से भी चर्चा हुई और उन लोगों ने आग्रह किया तो मैंने नाम वापस ले लिया। जो आपके दिल में टीस थी कि हम आपको टिकट नहीं मिली है, तो क्या उस बात पर आप पार्टी सहमत हो गए, आप भी सहमत हो गए? हाँ, पार्टी तो सहमत हो गई, वो पार्टी ने मेरे को सहमत बना लिया तो मैं सहमत हो गया। कुछ लालच दिया गया है क्या वापस लेने के लिए? किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दिया गया क्या? प्रलोभन से कौन सा संबंध बनता है भाई? सरकार हमारी है, वो खुद हमारा अच्छा बुरा जो है तो विचार करेगी। प्रलोभन से सरकार को क्रोध है, फार्म डाल दिए थे। अरे डाल दिए थे तो ठीक है, मेरा आक्रोश ताही बिसार दे और आगे की सुन ले। पूर्व मंत्री विश्नोई ने मीडिया से कहा कि मोती कश्यप पिछले 52 वर्षों से जनसंघ के समय से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बड़वारा से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में नामांकन वापस लिया है। मैं और मोती कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी का काम पिछले 50 से ज्यादा वर्षों से कर रहे हैं। मोती कश्यप जी तब से काम कर रहे हैं जब जनसंघ हुआ करती थी। मोती कश्यप जी आज से 53 साल पहले जनसंघ के तरफ से पार्षद भी रह चुके हैं जबलपुर के नगर निगम के अंदर। हम सबका 50 साल का साथ है, अच्छे बुरे में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। इस समय पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दी, न सिर्फ वो दुखी थे परंतु पूरा प्रदेश का मांझी समाज भी अत्यधिक दुखी था। मेरा उनके साथ भी और उनके समाज के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, उनकी पीड़ा को मैंने भी समझा है, इसलिए उनकी लड़ाई को मैंने भी लड़ा। पर एक सीमा रेखा पर आने के बाद पार्टी के हक में, प्रदेश के हक में, राष्ट्र के हक में लड़ाई को विराम देना पड़ता है। आज वो पॉइंट, वो बिंदु पर हम लोग पहुंच गए, क्योंकि हम सब दोनों के दोनों जितने हैं या हमारे साथ के लोग जो जुड़े हुए हैं वो पार्टी के भक्त हैं, राष्ट्र के भक्त हैं। तो राष्ट्र के हित में और पार्टी के हित में निर्णय लिया गया कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को जिताने की ज़रूरत है, सरकार बनाने की ज़रूरत है। इसलिए हम भी कैंडिडेट के रूप में अपने आप का नाम वापस ले रहे हैं भाई मोती कश्यप जी, और जो पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसके साथ बैठ के बात करेंगे, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उसको चुनाव जिताएंगे ताकि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बड़वारा विधानसभा में मोती कश्यप के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा का रास्ता लगभग साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, कटनी।